हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्प्रिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है, सही दिशा देने से भाव भक्ति बन जाते हैं। भावनाओं का प्रभाव अगर भक्ति की ओर ले जाए तो भावनाओं का होना ठीक है, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ना चाहिए। अगर आप अपनी प्रेम भावनाओं को खुली छूट दे दें तो वे फजूल की मुसीबत बन जाती हैं। जब तक नदी अपने किनारों के अंदर बहती है केवल तब तक ही वह फायदेमंद होती है, लेकिन जब उसमें बाढ़ आती है तब वह अपने किनारों को तोड़ देती है और सब तरफ बर्बादी फैला देती है। मन चाहता है कि हम भक्ति मार्ग को एक रोमांच समझ लें। मन हमें यह मान लेने के लिए उकसाता है, प्रतीत सामने है, बस मुझे उसमें समा जाना है। सद्गुरु दयालु पिता की तरह मेरी सब आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, मुझे प्रयत्न करने की क्या जरूरत है। सद्गुरु मुझे खुद ब खुद सचखंड ले जाएगा और मुझे अद्भुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। यह निपट मन का धोखा है। सभी संतों ने हमें सचेत किया है कि प्रेम का मार्ग संघर्ष का मार्ग है। कुल मालिक के प्यारे अपना सिर हथेली पर रखकर प्रेम के मैदान में उतरते हैं। वे सिर न्योछावर करके ही प्रतिम से मिलाप करने में सफल होते हैं। भावों के बहाव में बह जाने के सभी कवि किसी की सुरत शब्द से नहीं जुड़ती। कबीर साहब की बाड़ी है, गगन दमामा बाजिया हननिया के कान, सुरा धरे बधावना कायर तजे करान। आप इशारा करते हैं कि जब युद्ध का बिगुल बजता है तो सुरमा तुरंत रणभूमि की ओर दौड़ता है। वह बिना शस्त्रों के लड़ाई लड़ता है और अपने सीने पर बार खाता है। कायर ऐसा नहीं कर सकता बल्कि वहां से खिसक जाता है। वह टीवी लगा देता है, किसी के साथ फोन पर गप्पे मारनी शुरू कर देता है। वह क्लबों में जाकर गप्पे मारता है, वह यारों दोस्तों के घर चला जाता है और इंद्रियों के भोगों का शिकार हो जाता है। वह मन के साथ विचारों के अनेक तीर इधर उधर चलाता है, पर भजन सुमिरन की रणभूमि में किसी हालत में भी उतरना नहीं चाहता। परमार्थी की लड़ाई अंदर है और इसे अंतर में ही लड़ा जा सकता है। लड़ाई का नगाड़ा निरंतर बज रहा है और हमें रणभूमि में उतरने के लिए चुनौती दे रहा है। यह युद्ध ही हमारी जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यह लड़ाई हमारे लिए इस समय सबसे जरूरी है। व्यवहारिक तौर पर हमें अपना ध्यान तीसरे तल पर सुमिरन में रखने के लिए अधिक से अधिक संघर्ष करना है। रूहानी युद्ध जीतने के इच्छुक योद्धा के लिए इससे सिवाय और कोई चारा नहीं है। यही मन को निर्मल और आत्मा को बलवान बनाने का सही साधन है। यही भक्ति मार्ग का सार है और यही सतगुरु के साथ अधिक गहरा और पक्का रिश्ता कायम करने का एकमात्र साधन है। सबसे बड़ा सूरमा वह है जो अपने आप पर चित प्राप्त कर लेता है। ध्यान को तीसरे तिल पर रखना ही सच्ची भक्ति है। अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे अंदर भक्ति भाव है पर हम ध्यान को तीसरे तिल पर खड़ा नहीं कर सकते, तो हम भावुकता को ही भक्ति समझने के भ्रम का शिकार हैं। दिशाहीन भावुकता ध्यान को बिखरा देती है और बहुमूल्य आध्यात्मिक शक्ति का नशा करती है। अपनी पूर्ण चेतनता और इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए ध्यान को आंखों के ऊपर एकाग्र करके ही शरीर की हद को पार किया जा सकता है। एकाग्रता द्वारा ही आंतरिक रूहानी अनुभव प्राप्त होंगे, जिनसे हमारी श्रद्धा और ग्रह को मजबूत आधार प्राप्त होगा। जब तक भाव ध्यान को फैलाने और विपरीत दिशा में बाहर की ओर खींचने में लगे रहेंगे, अंतर्मुख रूहानी अनुभव प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए भावुकता को श्रद्धा या भक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता। दोनों में अंतर समझना जरूरी है। सच्चा प्रेम हमेशा अंतर में होता है। जब आप प्यार का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उसकी गहराई को खो देते हैं। भावुकता और मौखिक जमा खर्च को संतमत नहीं कर सकते। संतमत पल पल हर स्तर पर हर रूप में अपने अंदर जीवित रहने का महान मार्ग है। मन सद्गुरु देह स्वरूप के पीछे भागने की इच्छा का शिकार हो जाता है, क्योंकि यह समझता है कि शायद सद्गुरु के प्रति प्रेम प्रकट करने का यही एक तरीका है। जिस प्रकार लोग किसी कलाकार को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं,
उसी प्रकार हम सद्गुरु के देह स्वरूप के पीछे दौड़ते हैं। जब यह देखते हैं कि बाकी सब दौड़े जा रहे हैं और जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, तो यह सारा हल्ला गुल्ला देखकर हम भी उसी धारा में बह जाते हैं और हम भी उछलना कूदना और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि सद्गुरु और शिष्य के शुद्ध रूहानी रिश्ते में मन की ऐसी दिखावे की कार्रवाई की क्या आवश्यकता है। क्या हम यह सोच रहे हैं कि सद्गुरु के देह स्वरूप के पीछे भागने से भजन सुमिरन की कमी का नुकसान पूरा हो जाएगा? क्या इसका यह कारण है कि हम शरीर की हद पार करके सत्य का अनुभव करने के लिए आवश्यकता यत्न करने से दूर भागते हैं? हम आसान रास्ता ढूंढते हैं। सच्चाई यह है कि देह स्वरूप सद्गुरु के जितने मर्जी दर्शन कर लिए जाए, उससे भजन सुमिरन की कमी कभी किसी हाल में पूरी नहीं हो सकती है। हमें अपने आप से यह प्रश्न भी पूछना चाहिए कि जब सद्गुरु की देह स्वरूप की पूजा करने का यत्न करते हैं, तो क्या हम एक प्रकार से सद्गुरु को एक मूर्ति के स्तर पर नीचे लाने का यत्न तो नहीं कर रहे? क्या हम सत्य की साक्षात प्रतिमा को